नमस्कार। संवत 2080 का आखिरी महीना संवत के अनुसार फाल्गुन मास और तदनुसार मार्च का महीना 1 तारीख से 31 तारीख तक विशेष परिवर्तन ग्रहों के होने जा रहे हैं। किन किन ग्रहों का परिवर्तन होगा, किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है और कन्या राशि विशेष रूप से क्या उन ग्रहों से किस तरह से प्रभावित तो होगी या कन्या राशि पर कौन सा ग्रह पॉजिटिव और निगेटिव, कौन सा ग्रह ज्यादा प्रभावी रहेगा, कौन सा ज्यादा इंपैक्ट डालेगा और इस मास में आपके लिए कौन कौन सी तारीख खराब है, इन सब बातों पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक, महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कन्या राशि के सभी भाई बहन मिलकर के इस बात को समझें और अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स, ये जो वीडियो बनाते हैं आपको सिर्फ मात्र सूचना देने के लिए बनाया जाता है ताकि आप इनका भरपूर लाभ उठाएं और अगर खराब कोई पोजीशन है तो उस समय सावधान रहें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं। 1 मार्च को बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 2 ग्रह एक ही दिन में नक्षत्रों का परिवर्तन करने जा रहे हैं। पहला, कन्या राशि का स्वामी खुद बुध, वो कहां जाएगा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जो गुरु का नक्षत्र है, ये कन्या राशि को चमकाने के लिए वहां पहुंच रहा है, अच्छा फल देगा आपको। और उसके बाद उसी दिन शुक्र जो है धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहा है, ये भी आपको सुख देगा क्योंकि शुक्र जो है आपके भाग्य स्थान का कारक माना गया है, वृषभ नवम भाव में पड़ती है आपके। अब 2 परिवर्तन आपके लिए अच्छे फल अच्छे परिणाम देने के लिए आएंगे और साथ में ठीक 3 दिन बाद बड़ा परिवर्तन होगा, और भी बड़ा। राहु रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो कि बुध का नक्षत्र है और बुध कन्या राशि का स्वामी है, तो रिलेशन तो है। और साथ ही साथ कन्या राशि को उच्च दृष्टि से देखने के लिए एक होती है किसी किसी आदमी के प्रति सिंपैथी, सद्भावना, संवेदना, शुभ भावना, शुभ कामना, तो राहु कन्या राशि को शुभ कामना, शुभ भावना और शुभ दृष्टि से देखता है क्योंकि कन्या राशि में राहु उच्च राशि में माना जाता है, तो राहु की उच्च दृष्टि होगी कन्या पर, कन्या राशि को सरप्राइज देगा, अचानक मान सम्मान प्रतिष्ठा। जितने भी कन्या राशि वाले हैं मान सम्मान से भरपूर और परिपूर्ण, खूब रेस्पेक्ट मिल रही है इनको, काम बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन जिनके चतुर्थ भाव में राहु केतु हैं उनको ट्रांसफर भी मिल रहा है, नौकरी जॉब चेंज भी हो रहा है, अशांत मन और माता पिता के लिए कष्ट भी चल रहा है। हम बात करें सिर्फ ग्रहों के राशि के परिवर्तन की, राहु का परिवर्तन रेवती में और हस्त नक्षत्र जो कि कन्या राशि का हृदय माना जाता है, हस्त नक्षत्र 4 चरण जिसके होते हैं, हस्त नक्षत्र में कन्या राशि होती उसमें केतु का प्रवेश होगा, ये ग्रहण योग बोलते हैं इसको। चंद्रमा के साथ जब संयोग करता है केतु या राहु तब ये ग्रहण योग बनता है, लेकिन कन्या राशि वही रहेगी, केतु भी वही रहेगा, सिर्फ मात्र रोल चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप शर्ट चेंज कर लेते हैं, आज सफेद पहनी हुई है, कल को येलो कलर की शर्ट पहन लेंगे हरे रंग की, तो ये केतु का चेंज है और कन्या राशि पर इसके बदलाव से
समस्त कन्या राशि वालों को प्रभाव इसलिए पड़ेगा क्योंकि जिसकी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है उसके ऊपर से राहु केतु उतर जाएगा, जिसका हस्त नक्षत्र है उस पर केतु आएगा, और जिनका चित्रा नक्षत्र द्वितीय चरण से है या प्रथम चरण उन पर आने वाला है केतु, यानी कि वो होगा, अभी आया नहीं है चित्रा पर, अभी तो लगभग 7-8 महीने यही रहने वाला है हस्त नक्षत्र में। अब बात करेंगे मंगल के परिवर्तन की। 6 तारीख को मंगल का जो प्रवेश होगा वो धनिष्ठा में होगा। ये स्थिति कन्या राशि के लिए अच्छी कही जा सकती है क्योंकि शत्रुओं का नाश, ऋण रोग और शत्रुओं का विनाश करने वाला मंगल इनके अच्छे भाव में होगा। आप कितना ही बड़ा कंपटीशन हो उसको फाइट करेंगे, आप जीत जाएंगे। छोटी मोटी हल्की फुल्की चिंता तो बनी रहती है हर मनुष्य को। इसके अलावा बड़ा परिवर्तन बुध जो आपकी राशि का स्वामी है वो नीच राशि में जाएगा, कहां मीन पर प्रवेश करेगा। लेकिन हर चीज में पॉजिटिव पहलू ढूंढना हर आदमी का कर्तव्य है, मेरा भी कर्तव्य है, मैं आपको बताऊंगा। बुध नीच राशि में जाएगा तो कन्या राशि को उच्च भाव से देखेगा, उच्च दृष्टि होगी, आप सुखी रहेंगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो यानी के कन्या के लिए सारे पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा और ज्यादा पॉजिटिव क्या है, 4 ग्रह 10 मार्च को आपके 6 भाव में होंगे जो आपके सभी दुख दर्द कष्ट परेशानी चिंता झगड़े झंझट ऋण रोग शत्रु सब से मुक्ति दिलाएगा। ये 4 ग्रहों की युति, एक ही ग्रह काफी होता है कष्ट दूर करने के लिए, लेकिन यहां तो 4 आ गए कष्ट दूर करने के लिए। जिसको बोलते हैं चतुर्दिश, चारों दिशाओं से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में से आने वाले कष्टों का निवारण और निराकरण करने वाले ये 4 ग्रह आपके 6 भाव में होंगे। इससे क्या होगा, आपके मन के अंदर जो ताप और संताप चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। और मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और शनि के साथ आकर के इसका शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा, और ये भी शत्रुओं का विनाश करने की जो पोजीशन है उसमें होंगे। दोनों ग्रह आपके 6 भाव में, त्रिकटे एकादशे भाव में सर्वारिष्ट निवारणम। और 16 तारीख को शनि का उदय हो जाएगा। जब शनि उदय होगा तो आपके शत्रुओं का विनाश होगा, आपके मन के अंदर चल रही आशंकाएं कुंठा क्रोध उद्विग्नता बेचैनी परेशानी तनाव टेंशन सब समाप्त होगा। इसके बाद सब चीजों का निवारण करने के लिए महीने के लास्ट में 31 मार्च को शुक्र मीन राशि में आ जाएंगे और आपको शुभ लाभ प्रभाव अच्छा देंगे। भले ही शुक्र की नीच दृष्टि होती है लेकिन वो शुभ ग्रह है, आपकी राशि से सप्तम भाव में उच्च भाव होगा। अभी अभी मैंने बताया हर चीज में पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। आपके दाम्पत्य जीवन को सुखी करने के लिए शुक्र राहु के साथ प्रवेश करेगा तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा। ये बात अलग है कि वहां सूर्य भी होगा, तो ये युति 3 ग्रहों की एक साथ बनेगी और 4था ग्रह चंद्रमा भी आगे पीछे इनके साथ सम्मिलित होगा। फिर चतुर्ग्रही दृष्टि आपके सप्तम भाव पर आएगी। तो कन्या राशि के लिए ये कुछ प्लस और माइनस वाला जो मंथ है वो रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।